से रिलेटेड पेचजन के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा है। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। सबसे पहले है कि प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो जो भी प्लांट डिजीज है, अगर हम उनको अच्छी तरह से क्लासिफाई नहीं करेंगे, उनको अलग अलग उनकी ग्रुपिंग नहीं करेंगे, तो हमें उसके कंट्रोल मेजर्स क्या है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम उनके सिम्टम्स का कैसे पता लगा सकते हैं, ये हम नहीं पता कर सकते। तो हमें इसके क्लासिफिकेशन के लिए उनको कंट्रोल, हम उनका क्लासिफिकेशन करके उनके कंट्रोल मेजर्स के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, और ये जो डिजीज है वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी सीवियर है, उनके बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो और इसके कारण हमें किसी भी कोई भी डिजीज हो, हम उसको उनकी स्टडी जो है, हम इजीली हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्लांट क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्लांट जो डिजीज का क्लासिफिकेशन है, हमने यहाँ 5 बेसिस दिए हैं, 5 बेस है इसकी क्लास, प्लांट क्लासिफिकेशन के 5 बेस हमने तैयार किए हैं। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट इसमें आता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म के प्लांट डिजीज को जो भी ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, उसको डिजीज को कॉज करने का काम कर रहा है। अगर हमें कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, तो हम कि किस तरह का है वो कॉजल, बायोटिक है, नॉन बायोटिक है या एबायोटिक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो है हाफ लिविंग और हाफ नॉन लिविंग में आता है, मीजोबायोटिक कहते हैं हम उसको, वो है। तो हम इन सब के बारे में क्या कर सकते हैं, हम उनकी स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद उनके क्या मेजर कंट्रोल्स हो सकते हैं उनके बारे में हम कर सकते हैं, हम वो किस तरह से वो स्प्रेड होते हैं उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। कि अगर हमें उन कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पता है, तो हम वो स्प्रेड कैसे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कि किस महीने में उनके ये किस तरह से उनके स्पोर्स बियर होते हैं या कोनिडिया बियर होते हैं, ये हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद वो कब रिप्रोडक्शन करता है या मल्टीप्लीकेशन करता है, इसके बारे में, और अगर इस तरह करते तो हम किस टाइम पर उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके फैलने को हम रोक सकते हैं, तो इस तरह से हम उसका कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा बेसिस है कि वो कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। कॉजल ऑर्गेनिज्म में हमारे पास तीन है, बायोटिक वो लिविंग है, एबायोटिक नॉन लिविंग है, या मीजोबायोटिक लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो इस तरह से हम तीन के बारे में हम उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे इसका। सेकेंड बेस इसका हो सकता है कि वो किस एरिया में है, किस एरिया में है, उसका इफेक्ट कितना है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसका इफेक्ट या उसकी सीवियरिटी कितनी है, या किस जगह वो किस एरिया में है, उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, और उसके पाए जाने की है ना अक्रेंस क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी हम कि फॉर एग्जांपल वो कहीं कहीं पर भी प्रेजेंट होता है, स्पोरैडिक कहेंगे उसे, एक स्पेशल जगह पर ही प्रेजेंट होता है, हम उसको एंडेमिक कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है हमारे पास कि क्रॉप किस तरह की है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप किस क्रॉप पर वो लग रहा है। फॉर एग्जांपल तीन अलग अलग तरह की फसलें होती है, क्रॉप अलग अलग तरह की होती है, किस किस तरह की क्रॉप, जैसे सीरियल्स होती है, पल्सेस होती है, ठीक है, इसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, तो अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है, अलग अलग तरह की क्रॉप होती है, हो सकता है सेम क्रॉप को, जैसे पल्सेस है तो पल्सेस को सेम टाइप के फंजाई या सेम टाइप के बैक्टीरिया उन्हें कॉज करे, तो ये भी हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स के आधार पर हम कि किस तरह की पल्सेस है, तो वो किस तरह सीरियल्स है, तो वो उनमें किस तरह की डिजीज हो सकती है, या मेडिसिनल प्लांट है तो उनमें किस तरह की हो सकती है, या फिर हम कहते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स है जो उनमें किस तरह की हो सकती है,
तो हम इस अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पर भी हम क्या कि डिजीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास बेसिस आता है, फोर्थ बेसिस आता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तभी प्लांट डिजीज होती है। जैसे जिंक की डेफिशिएंसी है तो कौन सी डिजीज होगी, एमन की है तो कौन सी डिजीज होगी, या मैग्नीशियम की है तो कौन सी होगी, मॉलिब्डेनम की है तो कौन सी डिजीज होगी। इस तरह किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो भी डिजीज को हम क्लासीफाई अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन से मैं समझ आया रेनी सीजन में किस तरह की होती है, या समर में कैसी होती है, विंटर में किस तरह की होती है। इस तरह की डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने हमारे प्लांट डिजीज को इस तरह से क्लासिफाई कर दिया तो उनका जो मैनेजमेंट है उनको किस तरह से मैनेज करना है, उनका कंट्रोल कैसे करना है, या फिर उनको स्प्रेड होने से कैसे रोकना है, ये हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने प्लांट डिजीज के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने इसके 5 मेथड रखे। 5 मेथड में सबसे पहला हमने रखा कॉजल ऑर्गेनिज्म, देन उसके बाद हमने रखा एरिया, सीवियरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन इनके ग्रेन्स पर, और तीसरा हमने रखा ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स, चौथा हमने डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अकॉर्डिंग टू सीजन्स। ठीक है, अब हम सबसे पहला इसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉजल ऑर्गेनिज्म। हमारा फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, कॉजल ऑर्गेनिज्म में हम इसे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप में डिवाइड कर लिया। ये 3 टाइप में सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, मीजोबायोटिक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म में जो रहते हैं। और फिर आता है एबायोटिक। एबायोटिक में ओनली नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग फैक्टर्स है। बायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग कारक आएंगे, मीजोबायोटिक में जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है वो आएंगे, और बायोटिक में ओनली लिविंग फैक्टर्स आएंगे। अब बायोटिक की बात करें तो लिविंग फैक्टर्स जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से है, फंजाई है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है, फाइटोप्लाज्मा है, एल्गी है, स्पाइरोप्लाज्मा, निमेटोड्स, निमेटोड्स और पैरासिटिक प्लांट। ये भी क्या होंगे, बायो दूसरों पर डिजीज कॉज करने का काम करें। फंजाई हमने पढ़ा है, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। एल्गी डिजीज कॉज करती है। स्पाइरोप्लाज्मा भी माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा जैसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं हम। निमेटोड्स जो कोमा शेप के होते हैं, इस तरह से निमेटोड्स हम कोमा शेप नहीं कह सकते, हम नॉर्मली जैसे एस्केरिस वगैरह होते हैं ये निमेटोड्स में आते हैं। इसी के दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो हम जो प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं। और पैरासिटिक प्लांट में हम अमरबेल या कस्कूटा जो है उसको हम ले सकते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास मीजोबायोटिक, हमने इसको जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में रहते हैं, वायरस भी ले सकते हैं और वायरॉइड्स, ना वायरस और वायरॉइड दोनों ही नॉन लिविंग और लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। यहाँ हम वापस फोर्थ टाइप में हम इसको डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो सकता है,
डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से भी डिजीज हो सकती है। लो एंड हाई टेम्परेचर हो, लो एंड हाई टेम्परेचर हो तो भी डिजीज कॉज हो सकती है, जैसे पाला करके हम फ्रोजन हो गया है ना। तो और ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर हो तो क्या होती है, क्रॉप क्या हो जाती है, जल जाती है, ब्लाइट डिजीज हो जाती है। और फोर्थ है पॉल्यूटेंट, प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जैसे जितने भी बाहर निकल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या है, पॉल्यूटेंट है, उनके कारण डिजीज कॉज हो सकती है। अब हम आते हैं इनमें एक एक डिजीज के हम नाम लिखते हैं, जैसे फंजाई है, फंजाई का हम नाम लिखते हैं रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोई एक डिजीज का नाम, जैसे सिट्रस कैंकर वाली डिजीज को भी हम लिख सकते हैं, सिट्रस कैंकर, कैंकर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज के बारे में हम लिख सकते हैं फ्लोएम नेक्रोसिस, फ्लोएम नेक्रोसिस इन कॉफी, नेक्रोसिस इन कॉफी। फाइटोप्लाज्मा, लिटिल लीफ ऑफ, लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल। एल्गी से रेड रस्ट ऑफ टी, स्पाइरोप्लाज्मा, स्टंट ऑफ मेज, स्टंट डिजीज ऑफ मेज। निमेटोड्स, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स। ये आपको वैसे याद हो जाएगी, आगे के चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हो रही है, एल्गी से कौन सी हो रही है, या फंजाई से कौन सी है। और पैरासिटिक प्लांट में हम क्या लिख सकते हैं, कस्कूटा। कस्कूटा क्या अमरबेल के ऊपर चढ़ती है और क्या कर देती है, जो जो होस्ट प्लांट है उस होस्ट प्लांट से अपना उनका उनके फ्लोएम के अंदर घुस जाती है, और फ्लोएम के अंदर घुसकर क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। तो वो उस फ्लोएम के अंदर घुसने के बाद क्या करती है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो उस प्लांट में डिजीज कॉज कर देती है, ठीक है। ये हुए हमारे बायोटिक फैक्टर्स में। मेसोबायोटिक में वायरस से हम टीएमवी टॉपिक को मुझे वायरस के बारे में, या लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, टोमेटो ये भी ले सकते हैं हम। वायरॉइड्स में एक ही डिजीज मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी, स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटेटो, स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटेटो। यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जेडर की डेफिशिएंसी होती है तो चावल के अंदर जो है खेरा डिजीज हो जाती है, तो खेरा डिजीज ऑफ, खेरा डिजीज ऑफ राइस। ऑक्सीजन की अगर, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाती है, ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटेटो, डिजीज ऑफ पोटेटो। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, फ्रोजन डिजीज हो जाती है, और हाई टेम्परेचर हो जाता है तो सन स्कैल्ब, सन स्कैल्ब डिजीज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट की हो जा, पॉल्यूटेंट की प्रेजेंस हो जाती है तो आम के अंदर ब्लैक वेन डिजीज, वेन जो होती है वेन्स है ना, ब्लैक वेन डिजीज ऑफ मैंगो, डिजीज ऑफ मैंगो, मैंगो की जो लीव्स होती है वो उनकी वेन्स कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। या तुमने जो मैंगो देखा होगा उसमें भी ब्लैक ब्लैक लाइनिंग्स आती है, उस तरह की डिजीज हो जाती है। यहाँ हम कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, बायोटिक जिसमें केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फाइटोप्लाज्मा, एल्गी, स्पाइरोप्लाज्मा, निमेटोड और पैरासिटिक प्लांट, ये हमारे पास एट टाइप्स है ना। मेसोबायोटिक में जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं, वायरस और वायरोइड्स। वायरस में हमने एक टीएमवी, हमें शुरू से ही पता है इसके बारे में, वायरोइड्स स्पिंडल ट्यूबर ऑफ पोटेटो। फिर आता है एनाबायोटिक जिसमें सबसे पहला हमने डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी
से जो डिजीज होती है, खेरा डिजीज ऑफ राइस जो जेडन की डेफिशिएंसी से होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटेटो एंड लो एंड हाई टेम्परेचर, लो से फ्रोजन हो जाता है, पाला हो जाता है, हाई टेम्परेचर से सन स्टैंड हो जाती है, और प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट के प्रेजेंस, पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, इस तरह की गैसेस से कौन से डिजीज, ब्लैक वेल डिजीज ऑफ मैन ये हो सकती है। तो हमारे पास ये इस तरह से हमने कॉजल ऑर्गेनिज्म के लिए देखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, हम उस नेक्स्ट के बारे में, दूसरा जो हमारा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एरिया या उसकी सीवियरिटी के बारे में, तो हम उसको अब नेक्स्ट हम दूसरा हमारा बेस ले लेते हैं कि किस बेसिस पर हम और क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट डिजीज को। तो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सीवियरिटी एंड अक्रेंस। अक्रेंस कहाँ पाया जाता है, वो कितनी उसकी उग्रता है, उग्रता का मतलब कितना इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट है तो सीवियरिटी ज्यादा होगी, इफेक्ट कम है तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल या एरिया कहाँ कहाँ है, इस अकॉर्डिंग हम इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्पोरैडिक, दूसरा है एंडेमिक, तीसरा है एपिडेमिक, और चौथा है पैंडेमिक। ध्यान से समझना इनका मीन्स क्या है। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक का मतलब कभी कभी ऑकेजनली होने वाले डिजीज है, ऑकेजनली होने वाली डिजीज जो कहीं कहीं पर या कभी कभी होती है उसे हम कहते हैं स्पोरैडिक डिजीज। ठीक है, स्पोरैडिक का मतलब क्या हुआ कि डिजीज सिंगली अपीयर होती है, कि किसी को साथ में नहीं लेती, सिंगली अपीयर, और क्या होती है ऑकेजनली अपीयर, है ना। और स्केटर, ये जो फैली हुई है, हम पहला तो ये है इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब सिंगली अपीयर होती है और ऑकेजनली होती है। फिर इसकी सीवियरिटी देख रहे हैं कि मोस्टली ये कहीं कहीं होती है, किसी किसी में होती है, तो जनरल इसकी सीवियरिटी होती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं आती। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो इरेगुलर इंटरवल में कभी हो रही है, कभी नहीं भी हो रही है, इस तरह से हो सकती है। इस तरह की एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर का मीन्स है ककड़ी, है ना, ककड़ी के अंदर जो एंगुलर लीफ स्पॉट्स जो बन जाते हैं वो ये स्पोरैडिक डिजीज में आते हैं। दूसरी एंडेमिक डिजीज जो है, एंडेमिक डिजीज जो है किसी स्पेसिफिक, जो इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, किसी स्पेसिफिक जगह पर ही होती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये किसी स्पेसिफिक जगह पर ही प्रेजेंट होती है। और इसमें अगर हम इसकी सीवियरिटी देखें कि सीवियरिटी इसकी कैसी हो सकती है, तो सीवियरिटी जनरल से लेकर हाई सीवियरिटी ये दिखाती है। ठीक है, इसकी अगर हम सीवियरिटी देखें तो ये जो नॉर्मल सीवियरिटी से हाई सीवियरिटी ये दिखाती है। नॉर्मल यानी इस जगह पर जहां जिस एंडेमिक है उस जगह, एंडेमिक का मतलब एक प्लेस पर, स्पेसिफिक प्लेस पर अगर कोई डिजीज होती है तो हम उस डिजीज को कहते, उस डिजीज को कहते हैं एंडेमिक डिजीज, है ना। तो ये एंडेमिक है, फॉर एग्जांपल एक अभी मैं आपको बताऊंगी कि वाट डिजीज ऑफ पोटेटो, ये जो है ये आसाम, जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है
उस दार्जिलिंग वाले एरिया में ही ये प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो गई, एंडेमिक हो गई, कि ये डिजीज जो है ये उसी जगह प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एंडेमिक डिजीज। ठीक है, तो नॉर्मल टू हाई रेंज में ये प्रेजेंट हो सकती है। इसकी सीवियरिटी अगर हम देखें तो नॉर्मल टू हाई, और अगर हम इसका अक्रेंस देखें कि ये कितनी पाई जाती है, तो ये वहां पर एंडेमिक है, तो ये उसी जगह है, तो इसकी इसका अक्रेंस भी उसी जगह पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अक्रेंस का मतलब है पाया जाना, सीवियरिटी मतलब कितनी मात्रा में, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी वो फैली हुई है, वो है उसकी सीवियरिटी। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में, कितने एरिया में कि वो स्पेसिफिक एरिया है, रेस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही रेस्ट्रिक्ट रहती है, किसी दूसरी जगह वो नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, तो वो कहलाएगी एंडेमिक डिजीज, वार्ड डिजीज ऑफ पोटेटो, वार्ड डिजीज ऑफ पोटेटो वो क्या है, एंडेमिक डिजीज है। ठीक है, किसके किसमें है एंडेमिक, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, वहां ये क्या है, एंडेमिक है। इसके अलावा गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटेटो, गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटेटो, ये जो डिजीज है, ये डिजीज कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर एंडेमिक है, तमिलनाडु में ये एंडेमिक है। तो ये एंडेमिक डिजीज एक स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक होती है ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। और ये नॉर्मल से हाई सीवियरिटी दिखाती है, उसी एरिया में नॉर्मल से हाई सीवियरिटी दिखाती है। फिर आता है एपिडेमिक, एपिडेमिक का मीन्स होता है, एपिडेमिक जो है, देखो एंडेमिक एक स्पेसिफिक एरिया में, एपिडेमिक अभी हम जैसे एक सिंपल सा हम इसको क्या कह सकते हैं, महामारी कह सकते हैं। ठीक है, एक महामारी को अगर हम कहीं वर्ड जो महामारी हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है बहुत ही विनाशकारी रूप, है ना, बहुत ही डिस्ट्रिक्टेड जो फॉर्म है वो क्या है, एपिडेमिक। कोई जो डिजीज है वो क्या फैली हुई है, वो कई जगह फैली हुई है, और किस फॉर्म में, महामारी के फॉर्म में फैली हुई है, उसको हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मीन्स क्या है, महामारी। ठीक है, अगर वो प्लांट में फैली होती है तो उसको कहेंगे हम, जो प्लांट में फैली हुई है उसको हम कहेंगे एपिफाइटोटिक, एपिफाइटोटिक। और अगर एनिमल के अंदर है वो तो एपिजूटिक, एपिजूटिक। एनिमल के अंदर है तो हम उसको एपिजूटिक, और अगर प्लांट में है तो हम उसको एपिफाइटोटिक कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा सीवियर होती है, किसी जगह पर फैली हुई है तो बहुत ज्यादा सीवियर है, और इससे जो वहां का जो नॉर्मल लाइफ स्पान है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो कहलाएगी एपिडेमिक। ठीक है, जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ वीट, व्हाइट रस्ट ऑफ वीट ये क्या है, एपिडेमिक है, जहां पर भी फैलती है वो ज्यादा फैलती है, तो ये क्या हो गई, एपिडेमिक हो गई। ठीक है, फिर आता है पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है हमारे कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में सब जगह ये फैली हुई है। पैंडेमिक का मतलब सब जगह ये फैली हुई है, हम कहते हैं ना कोरोना जो है वो क्या है, पैंडेमिक डिजीज है। पैंडेमिक क्या, पूरे वर्ल्ड में वो फैली हुई है, तो ये पैंडेमिक है। तो ऐसे ही ऐसी डिजीज जो कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, सब जगह अगर फैली हुई हो तो हम उसे कहते हैं पैंडेमिक। ठीक है, रेड ब्लाइट ऑफ पोटेटो, रेड ब्लाइट ऑफ पोटेटो ये क्या है, सब जगह फैली हुई है। ठीक है, और सीवियरिटी क्या होती है, किसी जगह बहुत ज्यादा है तो किसी जगह इसकी बहुत कम है इसकी सीवियरिटी। तो हमने किस आधार पर कौन सा बेस लिया, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट होती है, किसी स्पेशल जगह प्रेजेंट होती है एंडेमिक, एपिडेमिक, किसी जगह प्रेजेंट होती है जो सबको प्रभावित करती है, बहुत ही महामारी के फॉर्म में होती है एपिडेमिक, और पैंडेमिक जो है सब जगह पाई जाती है उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। हमने डिजीज के बारे में पढ़ा, तो ये था हमारा, हमने दो पैसेज लिए आज की
एक था हमने कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में और दूसरा हमने लिया उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी अक्रेंस या उसकी सीवियरिटी के बारे में। तो आज हम अपना वीडियो यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में बाकी के जो तीन बेसिस हमारे बचे हैं कि किस अकॉर्डिंग कौन सा हमने हम प्लांट डिजीज को क्लासिफाई करें, तो वो जो तीन है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।